हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जिला शिमला के ढली पुलिस थाना के तहत छारा बड़ा के पास ग्रीन वैली में एक ट्रक सेब से भरा हुआ था अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। कार में 4 लोग सवार थे और इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज भी हो चुकी थी। ढली पुलिस थाना की टीम हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत वहां पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तीनों मृतक चौपाल उपमंडल के नेरवा के रहने वाले थे और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सेब से लदा ट्रक शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सुबह 6:30 बजे हसन वैली के पास चालक ने ट्रक से नियंत्रण खोया और ये कार पर पलट गया। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम पसर गया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ढली क्षेत्र में दर्दनाक हादसे पर दुख भी जताया है। उन्होंने तीनों मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। बता दें कि हसन वैली के पास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अगस्त माह में यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक के बाद एक 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सेब लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर 20 सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में भी 3 लोगों को चोटें आई थी। खैर दोस्तों, इस तरह की और अपडेट्स जानने के लिए अब जुड़े रहिए 5 तरह न्यूज के साथ।